हाय फ्रेंड, रीमा चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो डाला था बुनटा बनाने के बारे में, बुनटा कैसे बनाए जाते हैं, जिसको गुदरी बोलते हैं गांव में, इसको सिलने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हमने बताया था। तो उस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया था, केवल कपड़ा कटिंग के बारे में बताया था। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड ने बहुत बताया, कमेंट्स में लिखा कि भाई स्टिचिंग के बारे में भी बताओ। तो आज हम स्टिचिंग के बारे में आपको बताएंगे कि इसका स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो आपके घर में अगर पुरानी साड़ी हो तो आपका उसको यूज कर सकते हैं, उससे कुछ अच्छा बना सकते हैं, उसको फेंकने के बजाय उसको आप यूज में ला सकते हैं। तो मैंने कटिंग का वीडियो पहले वीडियो में डाल दिया है, अब स्टिचिंग का वीडियो डाल रहा हूँ। तो अगर आपको कटिंग देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए, दोनों बात समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले बड़ी बात होती है कि कपड़े जो भी हैं, चार पांच साड़ी को काटकर एक बराबर फर्श पे, जैसे ये फर्श है, इस फर्श पे बराबर ऐसे लंबा चौकोर बिछा देना है। बिछाने के बाद इसमें मोटा तागा, ये वाला तागा मोटा तागा यूज होता है, पतला नहीं, पतला लगाइएगा वो तुरंत ख़राब हो जाएगा, इसलिए मोटा तागा इसमें यूज करना है। तो सबसे पहले इसको बराबर बिछाने के बाद इसके चारों तरफ जो कोन होता है, किनारी, इसकी सिलाई करनी होती है। जैसे कि हमने इसको नीचे से पकड़ के ऐसे ऐसे मोड़ के इस पर आप सिलाई लगाते चले जाना है ऐसे। अब आगे इसको भी ऐसे मोड़ देना है, ऐसे कपड़ा पकड़ के ऐसे, और इस पर सिलाई लगाते चले जाना है। वैसे ही ये चारों तरफ के किनारी का सिलाई करना है। ये आप जो देख रहे हैं कि ये जो सिलाई लगी है, ऐसे मोड़ मोड़ कर ऐसे मोड़ दीजिए। इसमें एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको मोड़ के आप सिलाई लगा लो। सिलाई लगाने के बाद फिर बीच में इस पर सिलाई लगानी होती है। अगर बीच में आप लगा लोगे, ये न लगाओगे तो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बढ़िया बुनटा नहीं बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप चारों तरफ के किनारी को सिलाई लगा लीजिए, टांका लगा लीजिए, ताकि, और बीच बीच में भी कहीं कहीं टांका मारना है ऐसे, ताकि आपका कपड़ा जो है वो फूले नहीं। और फिर बारीक से आपको सिलाई लगानी है, तो आपका बुनटा बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक बनेगा। और ध्यान रखिए, जो कपड़ा आप ऊपर लगा रहे हों वही उसी का एकदम पूरा पार्ट होना चाहिए, इसमें कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं बनेगा। देख लीजिए, जो साड़ी आप यूज कर रही हैं, अगर इससे बड़ा बनाना है, इसमें अटैच करना है, तो इसके कोरी को, ये कोरी को निकाल दीजिए और इस दोनों को ऐसी तरीके से सिलाई लगा के फिर इसको लंबा कीजिए, तब जाके आपका बुनटा सुंदर बनेगा। तो ये किनारी का सिलाई लगाने के बाद आपको अब क्या करना है, आप ऐसे लंबा भी सिलाई चला सकते हैं, ऐसे करके आगे की तरफ ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे चौला में भी। तो चौलाई में आसान पड़ता है, जल्दी जल्दी आदमी कर लेता है, तो आप देख लो, ये हमने चौलाई में सिलाई लगाया है ऐसे ऐसे। आपको सिलाई लगाना होता है यहाँ पे, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ से लाते हुए इस कोने तक लाएंगे, फिर यहाँ से धागा को तोड़ लेंगे, फिर यहाँ से दूसरा सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है। हो सके तो इससे छोटा टाँका आप लगाइए, और जितना बारीक लगा सके, मतलब 2-2 mm पे, 3-3 mm पे इसको लगाना है, ताकि आपका बुनटा बढ़ियार हो, जल्दी ख़राब ना हो, फटे ना। और जितना दूर लगाइएगा टाका, उतना वो उसका लाइफ कम हो जाता है, बढ़िया नहीं होता। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बनाए उसमें धागा बारीक चलाएं। तो इस तरह से आप बुनटा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये स्टिचिंग का वीडियो तैयार हो गया।
तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और पूछिए कि कौन सा कहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। ये वीडियो देखिए, इस तरीके से आपका ये बोंटा तैयार हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि इसको एकदम नॉर्मल फर्श पे, चिकना फर्श हो वैसी पे बिछा के करना है और कपड़ा मुड़ना नहीं चाहिए। ये जो कपड़ा है एकदम स्ट्रेट और सुंदर होना चाहिए ताकि कपड़ा मुड़े ना और सिलाई बढ़िया से लगे। और सिलाई ध्यान रखिए, जितना बारीक लगाइएगा उतना ही बढ़िया रहेगा, उसका उतना ही लाइफ रहेगा। जितना ही दूर दूर चलाइएगा उसका लाइफ अच्छा नहीं रहेगा। इसका सिलाई एकदम नज़दीक नज़दीक करना है, बारीक करना है, जो कि अच्छा बनेगा। तो बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी परेशानी हो तो बेहिचक आप हमसे कमेंट बॉक्स में आके बात कर सकते हैं। बाय फ्रेंड।